सस्ती लोकप्रियता के लिए कोई शख्स किस हद तक गुजर सकता है, इसका ताजा उदाहरण इंदौर में देखने को मिला, जहां एक किराएदार ने अपने मकान मालिक पर ऐसे आरोप लगा दिए कि पुलिस प्रशासन भी सकते में आ गया। देखिए रिपोर्ट। मंगलवार को इंदौर जिले से ऐसी खबर सामने आई जिसके बाद से पुलिस प्रशासन सख्ते में आ गया। खबर ये कि पीएम मोदी और संघ की विचारधारा से प्रेरित एक शख्स पुलिस जनसुनवाई कार्यक्रम में पहुंचा और अपने मकान मालिक पर ये आरोप लगा दिए कि उसका मकान मालिक ये कह रहा है कि वो अपने कमरे से पीएम मोदी की तस्वीर हटाए, नहीं तो कमरा खाली कर दे। लेकिन पुलिस जांच में मामला कुछ और ही निकल कर सामने आया है। पुलिस का कहना है कि किराए के लेन देन का मामला है, सस्ती लोकप्रियता के लिए किराएदार ने मकान मालिक पर ये आरोप मढ़े हैं। कल जो इन्होंने इंटरव्यू वगैरह और जो शिकायत करी है, ये बढ़ा चढ़ाकर की गई है और ऐसी कोई बात पहले भी संज्ञान में नहीं आई है। ये मेरे मत के अनुसार ये एक सस्ती लोकप्रियता ग्रहण करने के लिए और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के लिए यूसुफ के द्वारा ये कार्य किया गया है। दरअसल मकान मालिक और किराएदार के बीच लंबे वक्त से विवाद चल रहा है और काफी दिनों से ये मामला कोर्ट में विचाराधीन भी है। तो इनको मैंने स्वयं ने ये कहा था कि चूंकि ये किराएदार मकान मालिक का किराएदार लेन देन का मामला है और ये पुलिस हस्तक्षेप योग्य भी है तथा ये मामला न्यायालय में इन लोग का चल भी रहा है, मात्र कथन लेके हमें हमारे आवेदन पत्र का निकाल करना है, तो ये उसमें भी आनाकानी कर रहे हैं। बहरहाल पुलिस जांच में ये साफ हो गया है कि यूसुफ नाम के शख्स ने अपने मकान मालिक पर जो आरोप लगाए हैं वो सारे झूठे हैं। वहीं पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।